सभी भाई और बहनों से निवेदन है, देखिए आपके सत्यम जी इनको इतना समय नहीं मिल पा रहा है कि गमछी भी पहन कपड़ा भी पहन ले, अचानक इन्हें गर्दनी बाग जाना पड़ा है। हाली फाली में गमछी लपेट कहीं चले गए, वहाँ से प्रशासन का कॉल आया है। जितना भीड़ तुम लोग बोले थे कि 1000 तक ज़्यादा ज़्यादा भीड़ आ गया, इतना भीड़ कैसे आ गया, इस पर इन्हें कॉल आया और ये लोग जा रहे हैं। हम लोग आपके लिए बहुत कष्ट उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग भी आज नहीं आ पाए थे वो लोग कल के कल आइए, क्योंकि अब हमारा आंदोलन उस कगार पे पहुंच गया है कि जहां से लौटना पॉसिबल नहीं है। कैसे भाई लोग, आप लोग दिल से नमस्कार आप लोगों को। थोड़ी फोन ऑन आ गई प्रशासन की, थोड़ा जा रहा है, जाना पड़ रहा है और परमिशन लगातार लेना पड़ रहा है। अभी हम चल रहे हैं, लगातार ही जा रहे हैं और कोशिश रहेगा कि आंदोलन जो है लगातार चलते रहे, सक्सेसफुल हो जाए। और बहुत सारी समस्या आ रही है, समस्या को दूर करने के लिए लगातार मेहनत किया जा रहा है ताकि जितने सारे लोग हों उनको दिक्कत नहीं हो और जितने सारे लोग हों उनको अच्छा से अच्छा सुविधा मिल पाए। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे फंडिंग नहीं हो पा रहा है बहुत लोगों का, और फंडिंग लगातार रुका है। बहुत ज़्यादा मात्रा में संख्या थी, लगभग आज 2000 का विकराल रूप यहाँ पटना की धरती पर पहुँची हुई थी। दो पंडाल, पूरा पंडाल भर गया था और लगातार यहाँ पे कवरेज चल रहा है, मेहनत हो रहा है, क्या किया जाए, इंसान अकेला पड़ गया है, थोड़ा काम बहुत ज़्यादा पड़ गया है। आप लोग आइए, साथ दीजिए, मिलकर हम लोग काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार देखा जाए तो सिचुएशन ऐसा आ गया है कि अब निकलना पड़ा अचानक से। बात अब जाते हैं प्रशासन से, थोड़ा बात हम लोग कर लेते हैं और कोशिश यही रहेगा कि जल्द से जल्द पूरा काम कंप्लीट किया जाए। और बहुत सारी समस्या ऑलरेडी आई हुई है, उस समस्या को ख़त्म करना है, क्योंकि लगातार आंदोलन चलते रहे और हम लोग का नोटिफिकेशन और शेड्यूल जल्द से जल्द जारी हो जाए। और कोशिश रहेगी, सारे लोगों से कोशिश रहेगी कि सबको यही करना नहीं बाकी धरती पे, क्योंकि अब आखिरी चरण, आखिरी आंदोलन शेड्यूल्ड प्लस जो विज्ञप्ति जारी करके शेड्यूल दे दें हम लोगों को, कब आवेदन होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब नोटिफिकेशन आएगा और कब आवेदन होगा और कब तक विज्ञप्ति हम लोग की आखिरी ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, वो जल्द से जल्द कंप्लीट कर देती है सरकार। तब तक आंदोलन करेंगे जब तक ये काम नहीं कर देगी। इसलिए अब सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग पटना की गर्दनी बाग की धरती पर आइए और आकर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपना संगठन को दिखाइए, अपने भीड़ को दिखाइए कि सरकार इससे प्रेरित होकर जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी कर दे। मेरे साथ अनिश जी हैं, लीजिए उनसे बात कीजिए। हाँ पंडित, हम बोले थे कि आंदोलन करेंगे घुस कर पंडाल में, सत्य है कि मैं किया आज। अगर विश्वास नहीं है तो देख लीजिएगा वीडियो खोल कर कि तू को पंडाल कम पड़ गया था, तू को पंडाल कम पड़ गया था। और मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, ये मेरे में है और आगे भी करूँगा। इसी विश्वास के साथ हम लोग लगातार अभी जुड़े हुए हैं। और लीजिए अनिश जी से बात कीजिए। बार बार लाइव आने का हम लोग का यही मकसद है कि आप लोग को प्रेरित करें और दिखाएं कि हम लोग कैसे पसीना बहा रहे हैं। आप लोग बस घर छोड़िए और कल के कल सब लोग गर्दनी बाग आए, इतना भीड़ बढ़ जाना चाहिए कल गर्दनी बाग में हवा लेने का भी जगह ना हो। हम आप लोग से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग भरपूर मात्रा में आर्थिक, शारीरिक और मानसिक सहयोग देते रहें, क्योंकि हमारे पास फंड की कमी होती जा रही है धीरे धीरे। क्या सर, तो ये गर्दनी बाग हम लोग पहुँच चुके हैं, सत्यम जी जा रहे हैं। देखिए ये लोग कैसे जा रहे हैं, इनके पास थोड़ा सा भी समय नहीं बच रहा है अपने लिए कपड़ा पहन, जैसे कॉल आया है तुरंत उठ के चलिए। इनसे इनको प्रेरणा देख के लगी है कि क्या ये हम लोग बिना नोटिफिकेशन के वापस आने के कगार पे हैं। सत्यम जी साइड हट जाइए, बस आप लोग से निवेदन है कि कम्युनिटी पोस्ट में जाइए, आर्थिक सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए कि हम लोग का आंदोलन और मजबूती से हो पाए। बस आप लोग से यही निवेदन करना चाहते हैं, बाकी जो लोग भी हैं कुछ बात करें। बिटेट वाला का आज हवा निकल गया होगा, हमारा आंदोलन है जी सर, बिटेट वाला का। और देखिए सत्यम जी का बस मेहनत देख लीजिए, यही लोग बहुत इल्ज़ाम लगाते हैं कि सत्यम बड़बोला है बोलने का, लू नहीं, ये मेहनत देखिए, मेहनत के आगे कुछ नहीं है। देखिए पूरे गर्दनी बाग में सब अपना शर्म बेच दिए हैं कि नहीं बस नोटिफिकेशन ही चाहिए। इन लोग का मेहनत, इनका सत्यम जाकर देखिए आप लोग, बहुत
कहते थे कि इससे कुछ नहीं होगा। देखिए आज ये बंदा अकेले ही कैसे लीड कर रहा है। हम लोग भी पंडाल के पास पहुंच चुके हैं। सत्यम जी के लिए बस एक बार आप लोग कल गर्दनी बाग में आइए, और सत्यम जी को जो मेहनत कर रहे हैं ना, दिन देख रहे हैं ना, तो आप लोग 24 घंटा से देख रहे हैं कि रात के 12 बजे तक पंडाल लगा रहे हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये बस नोटिफिकेशन लेके आए, विकेट वाला आज कहीं नहीं दिखाता ना, सचिवालय में दौड़ता रह गया। कुछ नहीं, सरकार हमारा संख्या बल देख के एकदम तब अत्राहीमान मचा रही थी कि आखिर ये लोग आया तो आया कहाँ से। आप लोग थोड़ा सा ग्रुप में शेयर कर दीजिए, सत्यम जी आपसे फिर से जुड़ेंगे, ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिए तो 2 मिनट का समय लेकर। देखिए अपने घर को निहारते हुए सत्यम जी, यहाँ पे और लगेगा थी। और लगेगा, ये हम लोगों की घर है, बैक कैमरा है, और प्रशासन जो है इतना बड़ा पंडाल यहाँ से लेकर वो था, अब वो खाली पड़ गया। और कुछ लोग कहते थे कि बीटेट वाले का पंडाल में घुसकर आंदोलन नहीं करेंगे, हम ओपन अपॉर्चुनिटी देते हैं कि पंडाल लगाए हम घुसकर आंदोलन कर देंगे, पंडाल लगाए हम आंदोलन कर देंगे। मैं बिहार के टोटल बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आज मेरी सीटेट के जितनी सारी लड़के लोग आए हुए थे, कम से कम ये संख्या 2000 से एवं भी हमको लग रहा था। आप लोग जाकर वीडियो देखिए, आज 200 फीट का पंडाल देखिए, उतना बड़ा पंडाल इधर था और उतना बड़ा पंडाल उधर था, तो इस चीज़ को देखिए। और जा रहे थोड़ा प्रशासन से मिल लेने के लिए, प्रशासन का कॉल आया है, और कुछ नहीं होगा, सचिवालय से कॉल आया होगा तो क्या यहाँ पर आए थे खान सर, और खान सर आने के बाद कैमरा आगे करना से। खान सर के आने के बाद आज जो प्रोसेस हुई थी वो प्रोसेस गया होगा यहाँ से सचिवालय की, हजारों की संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं, और अचानक से कॉल आया है, अपने घर को देखने आए थे। ये अपनी घर है। हम केदार भवन से लगातार आ रहे हैं, इनकम टैक्स बीजेपी ऑफिस के पीछे पड़ता है केदार भवन, वहाँ से लगातार आ रहे हैं क्योंकि यहाँ से अपडेट लेना ज़रूरत है। अपनी घर को रक्षा करने के लिए स्वयं हम लोग को खुद से मेहनत करना पड़ेगा, और स्वयं हम लोग को आकर एक प्लेटफॉर्म पर काम करना पड़ेगा। और याद रहे, बिहार के अंदर रहने वाले तमाम विद्यार्थी, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गर्दनी बाग पहुँचिए, आपकी घर ये इंतजार कर रही है। करीब करीब 200 फीट का ये घर देखिए वहाँ तक है, आपका इंतजार कर रहा है। आप लोग पटना पहुंचिए, और पटना पहुंचने के बाद अपना अपना आप लोग शारीरिक उपस्थिति भी दीजिए, साथ साथ हमारे कंधा को मजबूत कीजिए ताकि लोगों को खाना खिला सके। आज कम से कम लगभग 300 से 400 लोग हैं जो खाना खाने के लिए आए, ये हैं प्रेरित हैं, तो आज तो हम हलवाई नहीं कर पाए क्योंकि कितना लोग रहेंगे, कितना लोग जाएंगे, खाना बनवाना थोड़ा उचित नहीं था, लेकिन कल से यह काम किया जाएगा, और सारा काम किया जा रहा है, और कोशिश रहेगा कि सारा काम किया जाए। थोड़ा हम थक गए हैं, आए थे घर देखने के लिए, थोड़ा प्रशासन से हम बात कर लेते हैं, तब तक आप अनीश जी से बात कीजिए, हम काम कर लेते हैं। बस आप लोग निवेदन कि कल और भारी से भारी संख्या में गर्दनी बाग में आए, आज का हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन था वो सफल हुआ। हमारा पसीना देख के आप लोगों को लग रहा है कि आज हम लोग कितना मेहनत किए और आगे भी करेंगे। आप लोग बस आइए, संख्या बल हमारी कम नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि एक दिन आते हैं फिर अगले दिन से नहीं आते हैं, नहीं, हमें अब जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया पर पर्सन को आना यहाँ अनिवार्य है। आप लोग हम पे जो भरोसा दिखाए हैं वो भरोसा पे हम लोग कायम उतरने की कोशिश करेंगे, और नोटिफिकेशन लेके ही जाएंगे। यहाँ बस हमारे लिए पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं, और पाने के लिए यहाँ पे हम लोग आए हैं। जो लोग भाई बहन हमसे जुड़ना चाहते हैं उस टेलीग्राम ग्रुप खोलिएगा, सीटेट SK लिखिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, संगठन से जुड़ जाइएगा, कोई स्पेस नहीं, सीटेट SK कैपिटल में, सब कैपिटल में, ज़्यादा से ज़्यादा उस संख्या में जुड़े, 10,100 मेंबर हैं, और आप लोग उसमें जुड़िए, और हमारा जो भी सहयोग बन सके वो करिए।
क्योंकि अब सारा सहयोग आपके ऊपर है। हमने बस यज्ञ नाद दिया है, यज्ञ को पुनरावृत्ति करना आपका काम है। जब तक संख्या बल हमारे पास नहीं आ रहा तब तक हम कमज़ोर पड़ेंगे, लेकिन जब आपकी संख्या बल ज़्यादा बढ़ेगी, आज का आपको संख्या बल देख अंदाज़ा लग गया होगा कितने अभ्यर्थी जाग चुके हैं। अब कोई भी सातवां चरण का अभ्यर्थी घर बैठे शोभा नहीं देगा। आप लोग को बस एक ही काम करना है, बोरिया बिस्तर उठा लेना है, एक चौक ओढ़ने के लिए और बिछाने के लिए चादर, दो गमछी लेके गर्दनी बाग आ जाना है। और आप लोग देखे सारा चीज़ और बात किए अनिश जी के माध्यम से, और हाँ यहाँ पे अब उन लोग नहीं हैं और नहीं आना ही उन लोग के लिए उचित रहेगा, क्योंकि ये फौज जो है बिहार के अंदर रहने वाला सातवां चरण का जो नौकरी के लिए प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए जो खड़ा है, आज भी बोलते हैं क्लास लेने का तरीका बहुत सारे होते हैं, वो तरीका हम जानते भी हैं और तरीका के साथ साथ हम लोग मेहनत भी करेंगे। और सबको ही देखिए अपने घर को, और आप सुबह या फिर एक राउंड आएंगे देखने के लिए घर को अपने, क्योंकि इस घर का रक्षा करना है और साथ साथ काम करना है। हमने कहा था कि पंडाल में घुसकर आंदोलन करेंगे और ये बात आपको नहीं दिख रहा होगा तो देख लीजिए, बीच में कोई चादर नहीं है, देख रहे हैं, ये लाल पंडाल है, ये उजला पंडाल है, देखिए लाल पंडाल हम लोग का पंडाल है और ये उजला पंडाल है। घुसकर आंदोलन कर दें, घुसकर आंदोलन कर दिए और कल भी करेंगे, और कल भी करेंगे हम लोग। आप लोग ध्यान से रहिए, बस हम लोग के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलिए और देखिए नोटिफिकेशन कैसे आता है। आज थोड़ा ज़्यादा थक गए हैं, प्रशासन से मिल लेते हैं और मिलने के बाद थोड़ा जो काम होगी प्रक्रिया होगी इसको पूरा करने, लोगों को खाना भी खिलाना है, इसके लिए निश्चित थोड़ा अब चैट ऑफ करते हैं।